सो गाइज, मेरा मेहंदी लग गया है एक हाथ में। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज तीज का पहला दिन है, मीन्स तीज कल है और आज नहाए खाए हैं, तो हम नहा लिए, बिल्कुल रेडी हो गए हैं और सुबह का पहला चाय पी रहे हैं। अभी 11:30 बज रहा है क्योंकि कल घर में इतना ज्यादा काम था और अकेले काम करके मेरा हालत खराब हो गया था। अकेले इतना बड़ा घर साफ करना, किचन साफ करना, कपड़ा धोना, ये वो करना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। तो सारा मुश्किल का काम पार करने के बाद अभी तो खाना नहीं बना, अब खाना बनाएंगे। और आप सभी को तीज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हाँ, ब्लॉग में रहना और जो लोग नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो चाहिए तो लाइक करना। सो लेट्स गो, पहले हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद अच्छा खाना बनाएंगे। और गाइस, कल हम लोग एक्चुअली तो मार्केट भी गए थे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग मतलब कुछ ज्यादा शॉपिंग तो की नहीं है, वैसे साड़ी वगैरह लेना था तो साड़ी लिए हैं और कुछ कुछ पूजा का जो सामान था वो लिए। तो आप तब तक बोला वीडियो देखो, उसके बाद हम लोग खाना बनाने चलते हैं। सो गाइज, हम लोग साड़ी लेने के लिए पिस्का मोड़ गए थे। पिस्का मोड़ में दो दुकान घूमने के बाद मेरे को तीसरे दुकान में साड़ी पसंद आया। यार, इस दुकान का कलेक्शन इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि मेरे को क्या बताया। मेरे को इस बार तीज में कुछ रेड पहनना था तो रेड साड़ी ऐसे मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग रेड ही पहनेंगे। बस जैसे यहाँ पे एंटर किए, मेरे को जैसे बोले कि मेरे को रेड साड़ी चाहिए, बस ये तुरंत मेरे को निकाल कर देखा, हमको पसंद आ गया, हम ले लिए। सो गाइज, मैं पे सब्जी काट के रख ली है, आप देख सकते हैं। ये है पम्पकिन, ये है बैगन, इसका भुजिया बनेगा, इसका भी पम्पकिन का भी हम भुजिया ही बनाएंगे। और ये है करेला का दूसरा, करेला का छोटा भाई, इसका भी हम भुजिया ही बनाएंगे। और ये आलू, इसका भी फ्राई हम करेंगे, मतलब एक दो तीन चार तरह सब्जी का फ्राई होगा। और पनीर का हम सब्जी बनाएंगे। इसका ग्रेवी के लिए हम इसको टमाटर ले लिए हैं, अदरक ले लिए हैं और मिर्चा ले ली, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो भी खाना बनेगा वो नॉनस्टिक में बनेगा, क्योंकि ये जो है ये मेरे हस्बैंड मेरे को तीज में गिफ्ट दिए हैं। सो गाइस, ये है बजाज का, तीन आपको मिल जाएगा कुकवेयर सेट। सो गाइस, ये है फ्राइंग पैन और गैस भी इधर ऑन हो गया है, तो इसमें हम सारा जो भी सब्जी इसको फ्राई करना है इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ये कढ़ाई, इसी में हम बनाएंगे आज पनीर, तो कढ़ाई का उद्घाटन पनीर के साथ हो रहा है, तो चलो बना लेते हैं फटाफट। तो गाइस, बैगन फ्राई हम कर रहे हैं, इससे पहले नमक डाल रहे हैं और उसके बाद इसमें जाएगा हल्दी। ये बैगन फ्राई बंगाली लोग का स्पेशल है, मीन्स कुछ भी अगर ओकेजन होता है या फिर ऐसे भी अगर घर में बनाना चाहें तो ये बनता है। और हम लोग घर में तो अक्सर ये बनता है, बैगन भाजा इसको बोलते हैं बंगला में। तो हल्दी नमक का कोटिंग हो गया है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। सो गाइस, इसको भी हम ढक दिए हैं क्योंकि इसको ढक के बनाने से क्या होता है ना कि बैगन जो है अच्छी तरह से पक जाता है। सो गाइस, इसको एक बार हम पलट चुके हैं। ओके गाइस, सेकंड डे आलू फ्राई। सो आलू फ्राई इज डन गाइस। जब ये इधर बन रहा है तब तक हम इधर पनीर बना लेते हैं, मेरा काम आसान हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले इसमें हम तेल डालेंगे, कढ़ाई गर्म हो गया है तो ये गया इसमें थोड़ा सा तेल। इसमें ये गया बटर। ओके, अब इसमें जा रहा है तेज पत्ता और सूखा मिर्चा, साथ में थोड़ा सा हम हींग भी डालेंगे। अब इसमें जार डाल रहा है आधा चम्मच जीरा। गाइस, अब जो प्योरी बना के रखे थे ये जाएगा इसमें। अब इसमें डाल रहे हैं हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। अभी हम इसमें नमक नहीं डाले हैं, हम पनीर डालने के बाद इसमें नमक डालेंगे, टेस्ट कर लेंगे कि नमक कितना जाएगा।
सो गाइज आप देख सकते हैं मेरा ग्रेवी बन चुका है, साइड साइड में तेल छोड़ दिया है, यानी कि परफेक्ट हो गया ये ग्रेवी। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और उसके बाद डालेंगे पनीर। सो गाइज अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अचानक मौसम एकदम खराब कर दिया है। फाइनली गाइस मेरा खाना बन के रेडी हो गया है और इसको कर देते हैं ऑफ। सो गाइस ये रहा खाना, सर्व कर दिए सुमित को। तो सुमित खा के बताइए पनीर कैसा बना है। कटोरी उठाई ना, कटोरी उठाइए, पूरा भींग के आए हैं ना बाहर से। इधर देखिए कैमरा, किधर देखिए, कौन सा रेस्टोरेंट वाला स्वाद है। ओ थैंक यू गाइस। तो अभी रात का 10 बज गया ना, 10 बज रहा है और हम लोग डिनर कर लिए हैं। सो अभी हम मेहंदी लेके बैठे, हम सोच रहे मेरे को मेहंदी कौन लगा देगा। इस साथ में तो हम लगा लेंगे लेफ्ट हैंड में, लेकिन राइट हैंड में मेरे को कौन लगा देगा। हम दुकान भी गए थे, वहाँ पे कुछ लड़की लोग मेहंदी लगा रही थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए हम वापस घर आ गए। और अभी बहुत सारा मेरे को फाइल ट्रांसफ़र करना था, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्टोरेज मतलब कम था, मतलब था ही नहीं। हमेशा ब्लॉग बनाते बनाते वो फुल हो जाता था। तो अभी हम सुमित को बोलने वाले हैं कि मेरे हाथों में मेहंदी लगा दे। लगा देंगे ना, चलिए लगा दीजिए। इस हाथ पर लगा ले। हाँ, तब ना। गाइस तो बहुत सारा डिजाइन मेरे को दिख रहा है, हाँ एक हाथ में खराब लगेगा वो, आप मेरे हाथ बिगाड़ने वाले, हमको पूरा यकीन है। मेरे को डिजाइन मिल गया है, हम ये डिजाइन लगाने वाले हैं। मेरा मेहंदी लग गया है एक हाथ में, ये कंप्लीट हो गया है। आगे और पीछे का भी डिजाइन देख सकते हैं आप लोग। घड़ी में बज रहा है 11:30 बजने वाला है। थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू सो मच बेबी, आई लव यू बेबी। रख दीजिए ना, यहाँ रख दीजिए ना, थैंक यू। सो गाइस अब देख सकते हैं हमारे पति देव बैठ गए मेहंदी लगाने के लिए। ओके तो कैसा ये मेहंदी लगाया है आपको थोड़ी देर बाद रिवील करेंगे। ओके सर इधर देख लीजिए मेहंदी वाले। हाँ ठीक है। तदा, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था कि आप इतना अच्छा लगा देंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, घड़ी में 3:30 बज रहा सुबह का, सर्गे करने के लिए उठे हैं, तो चलो पहले सर्गे कर लेते हैं। ये नारियल पानी, तो मेरा मेहंदी घुस गया और ये रसमलाई, ये बनाना। तो सुबह सुबह चलो इसको खा लेते हैं इससे पहले कि सूरज निकल जाए। ये हो गया मेरा सर्गे का खाना। आई ठीक, थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए मेरे साथ। शाम का 4:30 बज गई, हम नहा वहा के निकल गए, मैं नहा के एकदम रेडी हो गए। और ये मेरा मेहंदी का रंग देखिए कितना अच्छा आया है। तो फटाफट हम रेडी हो जाते हैं क्योंकि पूजा का समय होता जा रहा है। और रेडी होके फिर आपसे से बात करते हैं, ब्लॉग में मिले रहना।
हो गए हैं और मेरा साड़ी कैसे लग हम कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। सो गाइस चलो पूजा के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। सो सारा कुछ तो रेडी है, बस खाली पूजा का जो सामान है बस थाली में उसको सजाना है और पूजा का मुहूर्त होने से पूजा हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस ये वाला मंदिर हम लोग कल लेके आए हैं, मंदिर हम लोग के पास नहीं था तो ये मंदिर हम लोग लाए हैं और हम सोचे मंदिर को यहीं रखेंगे। और सुमित यहाँ पे रेडी हो गए हैं, ये हम लोग फ्लिपकार्ट से मंगाए ना, फ्लिपकार्ट का कुर्ता ये और बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। कैसा लगा आपको, पसंद आया ना? हाँ एकदम एकदम एकदम। ये क्या कर रही हो? माला है भोलेनाथ को, रजनीगंधा का माला हम पहनाएंगे और माता पार्वती। उधर का मेहंदी तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है, इधर का कहाँ है? देखा देखा तो एक बार ठीक से आगे का इधर उधर तुम लगाई जान रहे हैं। भाई भाई लोग बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, भाई हो या बहनों? ये मेरा है दिल वाला, भाई बहन, अरे ये वाला उसका। ये वो भांग जो चढ़ाई हो आप, वो भांग को क्या पति लोग बाद में घोल के पीना पड़ता है क्या? मेरा पूजा तो हो गया है और ये है माँ पार्वती का, दुर्गा माँ का श्रृंगार, सूरज श्रृंगार जो माँ को हम दे रहे हैं। और ये माँ से ये प्रार्थना रहेगा कि मेरा स्वाद हमेशा बना रहे और मेरा स्वाद सलामत। थैंक यू। ये हरितालिका तीज व्रत कथा। सो गाइस पूजा हो गया है और मेरा हालत बिल्कुल खराब है, हमको इतना पानी प्यास लग रहा है ना, बोला रखे कहीं से भी कूद के डूब के पानी पी जाए। अभी घड़ी बज रहा है 10:15, टाइम हो गया है, टाइम नहीं हुआ मतलब कि रात हो गया है और पूजा तो मेरा हो ही गया था 6:30 बजे, आधा घंटा में मेरा पूजा हो गया था। तो अभी फिलहाल हम अब
तार में अभी तक है, सोना तो आज है नहीं, वैसे तो आज हम लोग मूवी देखने वाले रात भर, और जैसे 3 बजे का उसके बाद हम जल्दी भागेंगे, अपना ये करेंगे, मतलब पानी नहीं पियेंगे। सो गाइज वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम यही प्लान कर रहे हैं, नहीं तो हम वीडियो सोच रहे थे कि पारन वाला भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं। सो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।